अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है और पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस ने गुलाब का फूल देकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस चौकी के बाहर पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ SHO सदस्य संजीव गौतम की अगुवाई में अभियान शुरू किया गया। हमीरपुर में यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है और पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस ने गुलाब का फूल देकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस चौकी के बाहर पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ SHO सदर संजीव गौतम की अगुवाई में अभियान शुरू किया गया, जिसमें दो पहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए हिदायत दी गई तो गाड़ियों में सीट बेल्ट न लगाने वालों को भी गुलाब का फूल देकर उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। वही मौके पर नियमों की अवहेलना कर रहे चालकों को गुलाब का फूल देकर नियमों की जानकारी दी गई और आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। बता दें कि यातायात जागरूकता अभियान से पहले पुलिस थाना हमीरपुर परिसर में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता SHO सदर संजीव गौतम ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में हमीरपुर में दो पहिया वाहन चालकों को दो हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा तो शहर में बनवे की समस्या को दूर करने के लिए भी अभियान छेड़ा जाएगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि PPA के सदस्य पुलिस के साथ मिलकर शहर के हर वार्ड में जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें घर घर जाकर लोगों से फीडबैक भी ली जाएगी। SHO सदर संजीव गौतम ने बताया कि PPA की बैठक में निर्णय लेने के बाद ही पुलिस ने मुहिम चलाकर वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया है और लोगों को मौके पर नियमों का पालन करने के लिए भी प्रार्थना की गई है। उन्होंने बताया कि पहले तो जागरूक करके वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी जाएगी और बाद में चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अवसर पर बैठक में SI पूजा, PPA अध्यक्ष रमेश चंद, महासचिव राजीव पुरी, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, सलाहकार नेकराम, सदस्य जसवंत सिंह, लीगल एडवाइजर नवीन पटियाल, होशियार सिंह, संदीप, सुभाष राज, किशोर, आशीष, लक्ष्मी सिंह और अश्विनी भी मौजूद रहे। आज HPPA की मीटिंग जो थी सदर पुलिस स्टेशन में हुई, इसमें सभी सदस्यों ने ये प्रस्तावित किया कि एक तो हम जो सिक्योरिटी ऑडिट के लेके हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने की थी, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल जो है वो वार्ड नंबर 4 में हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमारा मकसद ये है कि हम विजिबिलिटी जो है एरिया की सिक्योरिटी को लेके वो बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल करें, जिससे कि नागरिकों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा मुद्दा एक और मीटिंग में डिस्कस हुआ कि क्योंकि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो दोपहिया वाहन चालक हैं तथा उनके पीछे बैठने वाली जो सवारी है, पिलियन राइडर है, उन दोनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम में हेलमेट लगाना उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी है। तो इसको लेकर भी PPA जो है वो एक अभियान छेड़ने जा रही है, जिसमें आज हम अभी थोड़ी देर में शहर में फूल देकर जो है लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। हम उनको ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप जो हैं वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाएं, ना केवल राइडर बल्कि पिलियन राइडर भी हेलमेट लगाएं। और इसके अतिरिक्त PPA जो है वो सिक्योरिटी कैमरास को लेके फंड्स को मद्देनज़र भी कुछ डिसीजन ले रही है। इसमें स्थानीय विधायक से हम लोग अनुरोध करेंगे कि वे विधायक निधि से हमें कुछ धन उपलब्ध करवाएं और ताकि हम शहर में जो है CCTV कैमरास की संख्या बढ़ा सकें। इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई है। PPA के सहयोग से आज PPA की बैठक थी पुलिस थाना सदर में, तो वहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए हम उनको एक फूल देकर इस बात का एहसास करवाएंगे कि वो एक गलती कर रहे हैं। और प्यार में बहुत ताकत होती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्यार से नियमों को लागू करें। इस प्रथम स्तर पर हम लोग इनको फूल देकर इनकी गलती का एहसास करवा रहे हैं, इनको प्रेरणा दे रहे हैं कि ये हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।